देखो देखो मैं बोल रहा था ना हमारे आते ही तूफान आ जाएगा, ये देखो तूफान आ गया, इसके बाल बाल सब खराब हो गए। बवंडर दिखाइए बाल भाई, ये तो बुरा तैयार व्यार हो गया भाई। ये क्या है कंकंगा लेके आ रखा भयंकर। गाइस देखो डुकाटी डुकाटी लग रही है, नहीं लग रही है रुक जाओ भाई, ये कितना सही आ रहा है। अबे रुक जाओ, इससे स्क्रीनशॉट मारेंगे। ओए होए होए भाई कौन सी वाली, वो जो पीछे लगी हुई कौन सी, ये वाली अच्छी है। हाँ। ये ड्यूक ड्यूक अच्छी है, कौन सी वाली बाइक में, ये बीच वाली बाइक में मॉडिफिकेशन किस वाली में हो रखी है, लास्ट वाली मॉडिफिकेशन हो रखी है भाई। आप बताओ कौन सी अच्छी लग रही है। ड्यूक भाई, ड्यूक सबकी फेवरेट है भाई, मैं बोलता रहा हूं। तीनों में कौन सी अच्छी लगी, उसके बाद टीवीएस। ये अच्छी लग रही है, पहले ड्यूक तब टीवीएस। अबे बेइज्जती हो गई, बेइज्जती हो गई गाइस। लेट्स गो भाई, देखो अरुणेश के घर से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज। अरुणेश हेलो कर दो। हां क्या दो व्लॉगर एक व्लॉगर के घर पे, कौन से व्लॉगर, दो कौन है। अच्छा वो पीछे वाले में भी देख लिया था, सब्सक्राइब कर देना ठीक है गाइस। यहाँ पे हमने क्या बोलते हैं रमेश के अगले बार बाइक खड़ी कर रही है, यहाँ पे मिल रहे बच्चों के रिएक्शन। और बच्चों को कौन सी बाइक पसंद आ रही है भाई, ड्यूक ऑल टाइम फेवरेट भयंकर ड्यूक। और मेरे लिए बोल रहे की मॉडिफिकेशन इनकी 390 के लिए बोल रहे, मतलब एडवेंचर के लिए मॉडिफाई कर रही है, मॉडिफाई कर रखी है यार, बेइज्जती है। ये देखो निंजा बनेगा भयंकर, पर ड्यूक तो भाई क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, सबकी फेवरेट, सबकी फेवरेट हो रही है ड्यूक आज का। चले फिर भाई, जैकेट वैकेट पहनते और निकलते यहाँ से। टेस्ट 1 2 3 1 2 3। आई होप मेरा माइक रिकॉर्ड कर रहा हो भाई, बस क्योंकि माइक देता है धोखा हर टाइम। लास्ट वाली राइड में भी यही हुआ था भयंकर, मैं एक भी क्लिप नहीं डाल पाया क्योंकि माइक काम ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या होता है इस गोप्रो में। और यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि ड्यूक अच्छी लग रही है। गाइस बेइज्जती हो गई, सबसे ज़्यादा बेइज्जती था अमित भाई की भी कह रहे मॉडिफाई कर रही है। ओहो हटा दो ये चीज़ें। तो भाई आज चलाएंगे बाइक आराम से, एकदम स्पीड लिमिट में, अपनी जितनी लिमिट होती है भगाएंगे नहीं फालतू, क्योंकि भगा के कुछ फ़ायदा नहीं है भयंकर। यहाँ पे भगाओ तब जब रोड खाली हो, जब आप ऐसी संडे राइड्स या मॉर्निंग राइड्स पे जाते हैं जहाँ पे भाई पता है तुम्हें कि कोई नहीं आने वाला बीच में, अब ऐसी रोड पर भगाएंगे। क्या हुआ क्या, अच्छा उरुस थी, अरे मेरी तो थी भाई। बच्चे खुश हो जाते हैं भाई बाइक देख के भाई, वो बच्चों को देख के हम भी खुश हो जाते हैं। रिएक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है गाइज, सुपर बाइक की जरूरत ही नहीं है। आजकल लोग भयंकर सुपर बाइक ले रहे हैं बस रिएक्शन लेने के लिए, कि सुपर बाइक लेते हैं और फिर पब्लिक रिएक्शन वाली वीडियो बनाएंगे, जो कि भाई बहुत ज़्यादा चीप लगता है। ऐसा लगता है कि भयंकर क्या आवाज़ देख के भाई, देखो आवाज़ तो ट्रक की, ट्रक भी जाता ना बगल से तो लोग देखते कि ये क्या जा रहा है भयंकर, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ज़्यादा नहीं बोलेंगे भयंकर वरना सुपर बाइक्स वाले भाई लोग थोड़ा बुरा मान जाएंगे। अरे मस्त यार रिएक्शन बनाओ, जो बुराना बनाओ, लेकिन बाइक चलाओ कंट्रोल में। एंड गाइस हमेशा राइडिंग गियर्स पहन के, प्रॉपर गियर्स पहन के बाइक चलाओ। हाँ मुझे पता है भाई गर्मियाँ हो रही है तो थोड़ा मुश्किल होता है जैकेट्स वैकेट्स पहनना, लेकिन भाई देखो सेफ्टी तो होनी चाहिए, अब गर्मी का क्या करें भयंकर, गर्मी तो लगेगी, लेकिन प्रॉपर गियर्स पहन के बाइक चलाओ। बस अरुणेश नहीं पहन के आया आज, कह रहा बहुत गर्मी लग रही है अमित भाई। अरे चल कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहे वैसे भी, हम कोई ऐसा हाइपर राइड नहीं कर रहे आज, आज हम जाएंगे मस्त चिल वाली राइड मारने। देखो अमित भाई तो पूरे प्रॉपर गियर्स पहन के आए हुए, नी गार्ड्स वगैरह सब कुछ, और मैंने भी वही सब डाला हुआ। आराम से आराम से, कोई दिक्कत नहीं, नी गार्ड्स ग्लव्स जैकेट। कहाँ है अरुणेश,
आ गया। तो गियर्स पहन के हमेशा बाइक चलाओ, क्योंकि भाई आपकी सेफ्टी है। देखो कौन आगे से उड़ता हुआ तीर आ जाए आपको नहीं पता, कौन कब अपनी गलती से नहीं गिरते भाई। हर टाइम ऐसा नहीं होता अपनी गलती से गिरते, कभी कभी भाई दूसरे की गलती से भी हो जाते काम। अब इससे चलो तो जैकेट पहन के आता, इसमें उतनी गर्मी लग रही है, जैकेट में भी उतनी गर्मी लग, ठंडा लग रहा है भाई। देखो जैकेट में उतनी गर्मी लग रही है जितनी हुडी पहन के आ रहा है ना दिन में। ठंडा है ये, वो ए सी लगावा इसके अंदर, ए सी लगावा कूलर, हवा लगता ही ठंडा हो जा रहा बहुत भाई। सही है सही है, कहाँ मिलता है ये बैग? कहाँ? आजियो। आजियो से लिया है गाइस, आजियो में मिल रहे कूलर वाले हुडी। ये देखो भयंकर इसका गियर फंस जाता है भाई। तो कभी कभी क्या होता है कि पता नहीं मुझे कि गियर न्यूट्रल है इसका, तो मैं रेस देता हूँ बाइक करती है घो करके ना, फिर लोग सोचते हैं कि जानबूझ के घर रहा रिएक्शन लेने के लिए। नहीं भाई ऐसा नहीं होता, देखो उसमें गियर फंसता है इसलिए होती है आवाज, बाकी हमें कोई ऐसा शौक वॉक नहीं है रिएक्शन लेने का। तो अभी हमें आगे में मिलेंगे अक्षत एंड कार्निक, तो वो दोनों भी साथ में चल रहे हैं भाई। गाइस देखो डुकाटी, डुकाटी लग रही है नहीं लग रही है? कभी कभी तो मेरे को डुकाटी वाला फील देती है भाई, बस वो ये कि भयंकर इसके ब्रेक्स यार रुनेश देखते चिपका रही है बिल्कुल टायर टू टायर। उसकी बाइक देखो आज बिल्कुल चमकती हुई। गाइस देखो मेरे को बस इस बाइक्स के ना भाई अब ब्रेक्स में बहुत ज़्यादा डाउट होता है, मतलब ब्रेक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आता भाई। जो आगे वाला ब्रेक है ना वो भी उसकी भी अच्छी बाइट नहीं आ रही है। अब शायद ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि इसमें पहले ब्रेम्बो लगे हुए थे, उसके बाद से मैंने इसके मतलब वो सिरेमिक वाले ब्रेक पैड डलवाए। एक बार इसमें फिर से ब्रेम्बो वाले डाल के देखूंगा, तब देखते हैं कि इसकी बाइट कैसे आ रही है, क्योंकि भाई मेरे को ब्रेक का फीडबैक अच्छा मिल नहीं रहा है भाई। पीछे वाला तो चलो भूल ही जाओ, पीछे से तो खैर बाइक रुकती नहीं, लेकिन आगे वाला भी बहुत बेकार लग रहा है। KTM के ब्रेक्स तो अच्छे हैं ना हमेशा से, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी नहीं आ रहा हूँ। लेट्स गो, भगाते हुए कोई नहीं जाएगा ठीक है, भगाते हुए कोई नहीं जाएगा ठीक है। ये देखो इन दोनों की ना अभी से रेस लग गए भाई, ये दोनों नहीं सुधरेंगे। एक तो एक ग्रुप में सबसे छोटे है ना, तो इनको समझाना पड़ता भाई हर टाइम। अभी देखना ये दोनों खुली रोड देखते भगाने लग जाएंगे, इनका मुझे सीन पता है। तो भाई चलेंगे आराम से, ज़्यादा भाव भाव करते हुए नहीं जाएंगे, क्योंकि सूसा फूफा के चक्कर में बहुत कुछ हो जाता है, कांड हो जाते हैं भाई। एक तो मेरे TFT का ये टाइम ख़राब हो रखा है, और इसके ऊपर जो टेम्पर लगा हुआ था भाई, इसको कितना भी चेंज करा लो, इसमें कोई सा भी टेम्पर डलवा लो। इस बार मैंने इसका जो आ रहा है 3 टन का आता है, ये वो वाला लगवाया था, कहीं मुझे अमेजोन वगैरह में लिंक मिलेगी तो मैं डाल दूंगा। वैसे तो खैर क्या ही करोगे लेके, क्योंकि भाई बेकार टेम्पर है, मैं सही बता रहा हूँ। एक दो महीना चलता है उसके बाद ही फिर से जो ये ग्लास इससे निकल जाता है बाहर, तो आधा ऐसा फिक्स हो रखा है ना, ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया निकाल ही देते हैं, लेकिन फिर स्क्रैच वगैरह से भी थोड़ा बहुत बच जाता है। और लैमिनेशन मुझे करवानी नहीं है, क्योंकि भाई लैमिनेशन करवा के ना वो चिपक जाती है अंदर, तो फिर जब निकलती है तो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने इसमें लैमिनेशन नहीं करवाई थी। ये गार्ड भाई हमेशा से ही स्टार्टिंग से ही जब से मैंने बाइक ली तब से मैं इसमें, पहले मैंने इसमें फ़ोन का गार्ड लगवाया था, कोई रेडमी का फ़ोन था, उसका जो स्क्रीन साइज़ है इतना ही था, तो मैंने वो गार्ड लगवाया था। उसके बाद मुझे कहीं पर इसका जो TFT का गार्ड आता है, मतलब RR 310 का, ऐसा करके मैंने देखा था एक वीडियो, तो फिर मैंने वो ऑर्डर किया था भाई, वो भी ज़्यादा नहीं चल रहा। तो अगर किसी को पता है भाई इसका कोई प्रॉपर ऐसा गार्ड आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं उसमें फिर ऑर्डर कर दूंगा, वो लगवाएंगे भाई अपनी बाइक में। फिर मेरे को पीछे कार्निक की बाइक का एग्जॉस्ट सुनाई दे रहा है भाई, 125 cc का है वो, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हाँ ये देखो, चल एग्जॉस्ट सुना रहा था मैं तो तेरा भाई, कहता है कि 125 मत बोलो, 390 है मेरी है। कैमरा ना कैमरा, सारे लौंडों को पता था उनके कैमरा है कि, कह रहा नंबर प्लेट ही नहीं है भाई, बहुत सही, कह रहा नंबर प्लेट ही नहीं है मेरे पे तो 2000 का चलाना आएगा सीधा। ब्रूम एंड गाइस मेरा मुझे पता है कैमरा एंगल थोड़ा सा ऊपर हो रखा होगा भाई, ये इसमें जो माउंट लगाना मेरे हेलमेट पे, ये अजीब सा ही माउंट है, मुझे लग रहा है मैंने उल्टा लगा दिया। अरे 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 बैंक नहीं, कहाँ कहाँ से निकल रहे, अरे भयंकर करिए क्या गिर रहा है पेड़ से, पत्तों की बारिश हो रही है, पत्तों की बारिश। मौसम एकदम से बदलने लग गया, हवा चल रही है, पत्ते गिर रहे हैं, बारिश ना हो जाए बस, हमारे तो घोड़े लग जाएंगे, घोड़े फिर इसके घोड़े खोल देगी ना पता जाएगी, फिर फटाफट भागना पड़ेगा भाई। ये देखो भयंकर कितनी सही हो रही है रोड अभी। ओ भाई इस पेड़ में देखो कितना सही हो रहा है, पूरे लीव्स उसके रेड ग्रीन हो रखे हैं, रेड ग्रीन।
अबे आ जा। अबे तब तो पीछे या तो आगे आगे चला करो। भाई तू ही भगा रहा था, आगे तेरे पीछे थे हम। जल्दी आ, यू टर्न मार के ही स्टार्टिंग में ही हम। अबे भाई तो तू हमें वहाँ मिल ड्राइवर दिन में, वो ड्राइवर दिन कह रहा है वही वाले। आ रहे बोल, दहल फेड़ आ रहे बोल। नहीं नहीं इसी चल रहे, रुकेंगे नहीं कहीं पे भी। भाई पत्ते कितने सही गिर रहे थे ना बीच में, फूलों की बारिश हो रही थी। हाँ ठीक है, जाते हैं इसमें तो पकाइयो, कहीं पता चल रहा है तेरे को, पकड़ ही नहीं पाया। चलो भाई अक्षत भाई साहब निकल गए दूसरे रास्ते से, तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, जल्दी जल्दी मतलब कंट्रोल में। ये देखो भयंकर गियर फंस गया। तो पहले यहाँ ट्रैफिक से निकल जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा आराम से चलेंगे, जैसे ओल्ड मसूरी रोड आएगी ना वहाँ पे थोड़ा सा बाइक के मज़े लेंगे। भाई देखो भगाने, भगाना अलग चीज़ है और मज़े लेने अलग चीज़ है। मज़े लेंगे मतलब लीन से मज़े लेंगे भाई। तो कार नहीं कह रहा था मेरे पीछे चलना भैया, मैं आपको लीन दिखाऊंगा आज। मैंने कहा चल ठीक है तेरे पीछे चलने का ट्राई करेंगे। ये बस ओवरटेक मार लो बस आराम से, उसके बाद तो रोड खाली होगी। भगा भगा कार्निक, कार्निक के पास 125 सीसी की है ना भाई, तो पुश नहीं कर रहा है। एसी के पीछे चलाएंगे। अमित भाई आ रहे हैं, बढ़िया। आज तो अमित भाई भी पीछे ही अपने। रोड इतनी भयंकर हो रही है ना, पत्ते पत्ते गिरे हुए। बहुत भार बहुत भार। आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ। चलो भाई देखो देखो, मैं बोल रहा था ना हमारे आते ही तूफान आ जाएगा। ये देखो तूफान आ गया, इसके बाल बाल सब खराब हो गए। बवंडर दिखाइए बाल। ओ भाई ये तो बुरा तैयार व्यार हो गया रखा भाई। ये क्या है, कंकंगा लेके आ रखा भयंकर। क्या बात है अक्षत, क्या बात है। किसका जरूरत जरूरत तो इसको लग रही है मुझे। ये अपनी बाइक देख रहा है। एक बार ऐसे तो घुमा लो, मेरे को तो है जरूरत। अबे आ जाओ भाई, देखो यहाँ पे कितना बस सनसेट हो रहा है गाइस। भागते हुए कहाँ हो तुम? ये देखो सारे के सारे बदमाश लौंडे भाई। यहाँ चढ़ के दिखा दे अक्षत, ये ऊपर टॉप में भाई। यहाँ पे कुछ क्या लगा हुआ है स्कल जैसा, भेड़ का आर्टिफिशियल बकरे की खोपड़ी है। तुम्हें कैसे पता बकरा ही हो? कैसे पता? चलो ठीक है गाइस, कमेंट करके बताओ ये बकरे की किसकी है। क्या है ये वो लग रहा है बाइसन। ये ऐसे भी नहीं दिखेगा, ऐसे भी दिखेगा। ये देखो ये नकली है यार। तुम तो कह रहे थे असली है। मुझे कल लास्ट टाइम जब आए थे ना रात हो रही थी। हां भयंकर, ये क्या है? मुझे पहले लगा चमगादड़ भाई। पीछे सनसेट तो देख लो अपने, पीछे कितना मस्त सनसेट हो रहा है। ओए ओए इसमें तो और ज्यादा सही लग रहा है। लेट्स गो, अब चलते हैं भाई यहाँ से। अभी कहाँ जा रहे हैं हम? देहरादून देखने भाई, पहले तो ऊपर शिखर फॉल वाले पॉइंट पे। कह रहे घर, इतनी जल्दी घर कैसे जाएंगे भाई जब आ रखे। क्यों अमित भाई इतनी जल्दी थोड़ी घर जाते हैं? तो भाई यहाँ पे कहीं पे भी बैठ के फ़ोटो खिंचा लो भाई। एक एक एंगल यहाँ पे मस्त है, और लोकेशन तो आपको बताइए। थ्रॉटल शॉटल देहरादून। ए फ्यू मिनट्स लेटर। सो गाइस ये देखो हमारी क्या कौन सी लोकेशन है, सनसेट वाला पॉइंट था। लेकिन भाई यहाँ से क्या बोलते हैं, अरे इसकी लाइट चमक रही है, इसको पहले बंद करो। अपनी एडवेंचर की लाइट बंद करो।
भाई यहाँ पे चल रहा है बहुत भयंकर तूफान, लेकिन जो पीछे का व्यू दिख रहा है ना भाई वो एक तरफा दिख रहा है। देखो वीडियो में, भाई वीडियो में तो और सही, देखो इधर वीडियो में देखो और सही लग रहा है भाई, है ना। गाइस बिलीव इन हेवन। ये लो आवाज सुनो गाने की, गाने की। कौन सी गाने की? तो दिखाई नहीं दे रहा भाई तो इसमें भाई, लेकिन ये व्यू देखो आप एक तरफा भाई। चलो लेट हो रही है, इसका फ्लैश कहाँ ऑन होता है? अबे इसमें वीडियो चलते नहीं होता क्या? अबे मार्क 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 पे इसका हेलमेट कहाँ से आ गया यार? कहाँ है? ये तो रहा दिख नहीं रहा भाई, फ्लैश मारो। किसका है? लात मारो। अबे लात नहीं दिया, लात नहीं मार रही भाई। अरे एक बार वो कोई फ्लैश तो मार दो, बाइक से दिखा दे भाई, पीछे की लाइट तो देख लिया हमने। कहाँ दिखा फ्लैश? दिखा मुझे, दिखा। फुल है भाई ये देखो गाइस, यहाँ पे बाइक्स लगी है हमारी, KTM RC 390 इसकी है, इसकी है ये देखो। AGV पहन के आ रखा और ऐसी हरकतें कर रहा है, बताओ। फिर कहते हैं KTM वाले छपरी नहीं होते। रॉकेट अपचे ये इसको नहीं गिन रहा, इसको नहीं गिन रहा। ड्यूकी डिक क्या किसका? ड्यूक का डिक है ना। अच्छा ठीक है ठीक है, समझ रहे हम आपकी भावना है भाई। क्या बोल रहा है भाई तू, क्या बोलना चाह रहा तू ये बता मुझे। ओए होए ये बहुत सही लगा यार, लेकिन इसमें तेरी भी आंखें दिख रही है भाई। लैश नहीं मारोगे तो नहीं दिखेगी ना। अब ठीक है, अब ठीक है। चलो गाइस बाय बाय। ओए बाय तो कर दो सारे, आगे आगे जाके फ्रेम में जाके। रुक जाओ भाई, एकदम सही आ रहा है। अबे रुक जाओ, इससे स्क्रीन शॉट मारेंगे। ओए होए होए भाई पीछे क्या है? अरे भैंस की आग, पीछे तो खाई है। रुक जाओ